बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब से आई हूँ आप साथ में, आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अल्हम्दुलिल्लाह जवाजात की तरफ से एक और चीज़ को क्लियर कर दिया गया है और ये एक अच्छी चीज़ है, मैं इसे अच्छी चीज़ ही बोलूँगा। बहुत से भाइयों के जहन में इसके मुतलक सवालात होते थे कि भाई ऐसा क्या मुमकिन है या नहीं है, तो इसी से रिलेटेड आपके साथ एक दो बातें और भी करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, आप छुट्टी के ऊपर गए हुए हैं और आप वैक्सीन की जो यहाँ से ली है चाहे पाकिस्तान से लिए, आप अभी सऊदी अरब में इंटर नहीं हो सकते हैं, फ्लैट्स बंद है जी। आपने दोनों डोज यहाँ से ली हुई है फिर आप सऊदी अरब में आ सकते हैं। अगर आपने दोनों डोज यहाँ से ली हुई थी और छुट्टी के ऊपर गए और दोबारा आप सऊदी अरब में नहीं आए, आपकी छुट्टी यानी कि ख़त्म हो गई, तो आप भाई क्या न्यू वीज़ा के तौर पर आ सकते हैं? वैक्सीन तो आपने यहाँ से लगवाई हुई है दोनों डोज, उसके मतलब तो आपको कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं है। और क्या आप खरूज लगवा कर यहाँ से चले जाते हैं तो क्या न्यू वीज़ा के तौर पर आ सकते हैं? यानी कि वैक्सीन तो ली हुई है, तो आपके लिए क्या फ्लैट्स ओपन रहेंगी या आपके लिए बंद रहेंगी? तो अल्हम्दुलिल्लाह जवाजात ने भाई जवाजात की तरफ से इसके मतलब कन्फर्म न्यूज़ यानी कि बोल रहे हैं आप आ चुकी है, वो ये है जी, अगर कोई बंदा यहाँ से छुट्टी गया हुआ था, उसने वैक्सीन की एक खुराक यहाँ से या पाकिस्तान से या दोनों पाकिस्तान से ली हुई है, तो वो तो अभी डायरेक्ट सफ़र नहीं कर सकता है, हाँ वाई के थ्रू आ सकता है। उसके अलावा जो बंदा दोनों वैक्सीन की डोज यहाँ से लेकर जा चुका था, छुट्टी के तौर पर वापस आना चाहता है, जब चाहे है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर वो वापस नहीं आता है और उसकी छुट्टी खत्म हो जाती है तो भाई उसके ऊपर 3 साल की पाबंदी होगी, ठीक है जी। 3 साल के बाद वो सऊदी अरब में इंटर हो सकेगा न्यू वीज़ा के तौर पर, कोई मुश्किल नहीं है। उसके अलावा खरूज के मुतल अभी बात कर लेते हैं। अच्छा, अगर कोई बंदा यहाँ से खरूज नहाई लगवा कर जाता है यानी कि अपना वीज़ा ख़त्म करके जाता है, ठीक है जी, तो वो जा तो लीगल तरीके से रहा है लेकिन अपना वीज़ा ख़त्म करके खरूज नहाई लगवा कर जा रहा है, तो क्या न्यू वीज़ा लेकर सऊदी अरब में दोबारा आ सकता है? उसने वैक्सीन की दोनों डोज यहाँ से ही कंप्लीट की हुई है। तो इसके मुतलक जवाजात का ये कहना था कि ऐसा कोई भी बंदा जो खरूज नहाई लगा कर जाता है और ऐसा कोई भी बंदा जो तरहील यानी कि जेल के रास्ते या उसके ऊपर कोई किसी किस्म का केस बन जाता है यहाँ, तो वो उसको यहाँ से मुल्क बदर कर दिया जाता है यानी कि आउट ऑफ किंगडम कर दिया जाता है, उसके ऊपर बैन लगा दिया जाता है ताहयात के लिए। यानी कि उसने दोनों डोज यहाँ से ली हुई हैं चाहे तीनों डोज लगवाई हुई हैं भाई, जो तरहील के रास्ते गया या किसी केस के सूरत में पकड़ा गया गया, तो भाई उसके वो ताहयात के लिए सऊदी अरबिया में बैन है, वो तो फिर आ ही नहीं सकता है सऊदी अरबिया में। ये क्लियर मैं आपको कर दूं। अभी खरूज नहाई के मुतल्लिक, खरूज नहाई आप आज लगवाते हैं, आज शाम की कल की टिकट लेते हैं, पाकिस्तान इंडिया चले जाते हैं, उससे 3 दिन बाद ही आप अपना न्यू वीज़ा लेकर, वो तो आपकी भाई आपके ऊपर है ना, आप मेडिकल करवाएं फ़ौरन से, और 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, जितने दिन बाद मर्जी आप सऊदी अरबिया में आ सकते हैं। क्यों भाई? आपने वैक्सीन की दोनों डोज यहाँ से कंप्लीट की हुई हैं, आपका स्टेटस इम्यून है, यहाँ पर आपका भाई रिकॉर्ड मौजूद है, फिंगरप्रिंट स्कैनर आपके होंगे जब एयरपोर्ट के ऊपर, उस टाइम उन लोगों को सब पता चल जाएगा इस बंदे को दोनों डोज यहाँ से लगी हुई थी और ये खरूज नहाई यानी कि लीगल तरीके से गया था। तो खरूज नहाई से अगर आप जाते हैं सऊदी अरबिया में आते हैं तो कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं है आपको, बशर्ते कि आपने दोनों डोज यहाँ से लगवाई हो।